this is the physics of the develop the knowledge about basic of practical work and all the tools, use the all the tools and precision instrument to the सबका क्या है इसको इसको इंस्ट्रूमेंट का प्रवचन होगा और दे आर यूज द ओन नॉलेज ऑफ स्किल एंड दे आर द ऑफ इंजीनियरिंग वर्क एंड डोमेस्टिक एंड डेमोस्ट्रेशन अबाउट वी आर गोइंग टू द डिटेल्स ऑफ टूल्स नो मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स ऑफ फिटिंग्स ऑफ फाइल दिस इज द मेड ऑफ High carbon steel, hardened and tempered. So this portion is the point, this portion edge, this portion face, this portion heel, and जहाँ घुस गया हैंडल में उसका टैंक बोलता है तो जहाँ घुस गया हैंडल में उसका टैंक बोलता है जो भी हो this is the cutting tools. ये क्या है ये cutting tools है ये according to different type का है according to cut of क्रॉस सेक्शन ऑफ फाइल कोई स्क्वायर होता है कोई ट्रैंगुलर होता है कोई हाफ राउंड होता है कोई स्क्वायर राउंड होता है ऐसा ऐसा होता है जैसे है देखो ये हाफ राउंड है हाँ ये ट्रैंगुलर है ये हैंड फाइल है तो ये ट्रैंगुलर है तीन कोना ट्रैंगुलर है और कोई राउंड है ऐसा ऐसा जो हो तो द कटिंग टूल्स हम लोग का फिटिंग में बहुत एसेंशियल है एवं मेन टूल्स है तो देन वी द डिस्कस अबाउट हैमर तो इसका हैमर का इसको पार्ट का नेम इज द बॉल पिन 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 नेक चिक पोल चिक आई होल पोल पोल नेक फेस ये है एक ऑल द हैमर ए डिफरेंट नेम एंड डिफरेंट फंक्शन अकॉर्डिंग टू द पिन तो ये पिन का जितना जैसे जैसे होगा उसका हैमर का वैसा नाम होगा क्योंकि ये देखो ये इसको पिन है बॉल का माफिक है इसको बोला जाता है बॉल पिन हैमर अदर्स पिन देखो अदर्स हैमर देखो ये है हैंडल है हैंडल में सीधा है पिन इधर सिमिलर है कि इधर मत छोड़ो सोचो इधर सिमिलर है इसको स्ट्रेट है इसको बोला जाए स्ट्रेट पिन है एंड दिस पिन इज द क्रॉस है ये हैंडल से क्रॉस है इसको बोला जाता है क्रॉस पिन हैमर ऑल द हैमर इज मेड ऑफ हाई कार्बन स्टील फोर्ज तो अदर्स क्या है कोई कोई हैमर देखो ब्रेक उठाने के लिए चिरा हुआ है इसको बोला जाता है क्रॉ हैमर एंड एक हैमर है जिसका दोनों तरफ सेम है कोई पिन का फर्क नहीं है तो इसको बोलता है स्लेज हैमर इतना किसी का आउट भी बहुत बहुत किस्म का है हैमर का जो भी हो तो ये हैमर का मेरे ये जो एक तो हैमर है ये सॉफ्ट है लाइलॉन दिया हुआ है क्यों दिया है ये हैमर का एक तो कॉस्टिंग जो है उसको ये यूज करने से ये ख़राब हो जाएगा हम उसको जल्दी निकाल के चेंज कर देता टू और थ्री रुपीज़ इसका दाम है इसको चेंज करके फिर फाइल हैमर को नया बना दे सकता है जो भी हो तो वी मेक द जॉब एट फर्स्ट वी टेक द वन पीस ऑफ प्लेट एंड दिस इज द दिस साइज इज द इसका टाइटल इज द स्क्वायर ग्रूव प्लेट मेल फीमेल ज्वाइंट एंड साइज इज दुट बाई 50x6 फीमेल के लिए साइज का दो पार्ट है ना मेल फीमेल दो पार्ट है ना और ये मेल के लिए 64x40x6 ये देखो इसको मेल पार्ट है इसको फीमेल पार्ट है पहले हम लोग क्या करेगा एक तो लेके इसको मार्किंग करेगा मार्किंग करके इसको ऐसा मार्किंग करके इसको क्या करेगा पंचिंग करेगा जो मार्किंग
मार्किंग क्या है इसको बोलता है मार्किंग, एंड मार्किंग का लाइन में जो पांच क्या है इसको बोलता है परमानेंट मार्किंग। आफ्टर देन नेक्स्ट ऑपरेशन इज द सॉइंग। पार्ट नेम इज विंग नट, ब्लेड होल्डर एंड टाइमिंग स्क्रू, फ्रेम, ब्लेड, ब्लेड होल्डर, हैंडल। तो दिस इज द कटिंग टूल्स। तो ये एक हैक्सो क्या है, ऑलवेज फ्रॉड में करेगा, बैकवर्ड में नहीं, जाने के टाइम करेगा, आने के टाइम नहीं। तो ये पहले हम लोग का जब जाएगा उसको दबाएगा और जब वापस आएगा फ्री कर देगा। जैसे इसे प्रोसेसिंग देखो, हम दिखाता है, ये माया पास सामने ये पीछे, इसको जाने का टाइम काटेगा, आने का टाइम नहीं, यार फ्री है। ठीक है जी, अच्छा ये देखो, ये अभी अभी इसको इस काट गया, ये काट गया ऐसा, इसको दोनों को काट दिया, ठीक है ना। ये हम नहीं काट सकता है, फैक्सो नहीं चलेगा। उसके लिए क्या करेगा, डील करेगा, डील 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 करके इसको तोड़ देगा, इसको डील करेगा, डील करके इसको डील मशीन का डील करके इसको तोड़ देगा। ये मटेरियल, एक्सेस मटेरियल रिमूव हो गया। उसके बाद क्या करेगा, फाइल करेगा। फाइल का प्रोसेस देखो, दिस इज द फाइल अकॉर्डिंग टू शेप, ए है फ्लैट फाइल एंड ए फ्लैट फाइल हिल ए पॉइंट टू हिल एंड एज फेस। तो इसका यहाँ शुरू होगा, ये जॉब का एंड एक एंड में शुरू होगा, दूसरे एंड में खत्म होगा, और ये फाइल का टीम में शुरू होगा, हिल में खत्म होगा, और एक तो 30 डिग्री एंगल में इसको बेंड रहेगा। ये ऐसा 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 नहीं होगा, एकदम सीधा रहेगा, और आँख उधर चला गया एकदम। ऐसे करके हम लोग क्या करेगा, चारों तरफ हम लोग राइट एंगल देख लेगा, राइट एंगल हुआ कि नहीं, हाँ राइट एंगल हुआ कि नहीं, ये राइट एंगल चेक कर लेगा, ठीक है। अगर राइट एंगल हो गया, इसको स्वाइंग हो गया, इसका फाइलिंग करेगा, फाइलिंग करके इसको डीलिंग करके इसको निकाल देगा। आफ्टर देन फाइलिंग ऑल द फीमेल पार्ट इज फिनिश द एज पर स्केच। आफ्टर देन मेल पोर्शन, फीमेल पोर्शन हो गया, मेल पोर्शन सिमिलरली एज पर फीमेल पार्ट एंड ऑल द फंक्शन इज द फीमेल पार्ट ऑन मेल पोर्शन। तो वी आर सेटिंग मैचिंग दिस। वी आर मैचिंग दिस देयर। ये नहीं घुसता है, इसको फाइल करेगा, फाइल करेगा इसको। इसको भी थोड़ा फाइल कर लेगा, देखो अभी हो गया। इसको देखो, यहाँ से इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन का टॉलरेंस रहेगा 0.02 मिलीमीटर एंड इसको एकदम सेम फिटिंग में फिट होगा। देखो अभी होता नहीं है, हम उसको पुश फिटिंग करेगा, इसको पुश फिटिंग करेगा हम लोग।
और यहाँ कोई लाइट नहीं पास होगा, यहाँ जो है ना कोई लाइट नहीं पास होगा, ये ऐसा होता है फिटिंग टूल्स का जॉब। दिस इज द सेंसिटिव ड्रिल मशीन। ड्रिल मशीन बहुत किस्म का है, जैसा अपराइट ड्रिल मशीन, रेडियल ड्रिल मशीन, ऑटोमेटिक ड्रिल मशीन, डीप होल ड्रिल मशीन एंड अदर सेंसिटिव ड्रिल मशीन। इसको सेंसिटिव क्यों कहा जाता है, ये जब ऑपरेशन होगा कोई दिक्कत होगा हम उसको उठा लेगा। हाँ, इसको यहाँ सेम सप्लाई होता है, इसको बोला जाता है हमारा एरिया में इसको उसी लिए बोला जाता है सेंसिटिव। जो भी हो तो ये ड्रिल मशीन का मेन पार्ट है बेस। बेस में स्लॉट क्या है यहाँ की, क्योंकि क्या किया, और ये टेबल में भी स्लॉट किया है। तो बेस का ऊपर से एक तो कलम चला गया 90 डिग्री में, एकदम पैरेलल उठ गया, इसको बोला जाए कलम। कलम का बीच में एक तो टेबल फिट होता है, टेबल इसको बोला जाता है टेबल। टेबल को देखो, और इसके बाद ऊपर है हेड है, और इसको है ड्रिल चाक, और है इसको रैम, और इसको जो है यहाँ जो है ड्रिल चाक, यहाँ जो है स्लीप, इतना की चुका है। ये देखो ये कैसे है, इसको बोला जाता है कोन पुली। इसको बोला जाता है कोन पुली एंड इसका घाट है ऊपर से ज़्यादा। ये इसको ये जो दो रो पुली है, ये दो रो पुली है, देखो नीचे पुली में डायमीटर ज़्यादा है, उसके बाद नेक पुली में कम है, उसके बाद और कम है। इसका अल्टरनेटिव है, ये यहाँ बड़ा है, ये यहाँ छोटा है, यहाँ मीडियम है, यहाँ मीडियम है, ये लाइन छोटा है, ये बड़ा है, क्योंकि इसको रोटेशन व स्पीड कंट्रोल करने के लिए इसको किया गया है। तो ये होता है स्टार्टर एंड एनर्जी, एंड ये होता है मोटर एनर्जी पावर। तो अदर्स है इसका ये जो बेस है, बेस में देखो ये हम ये खुल सकता है, ये हटा सकता है हम। ये बेस में देखो यहाँ स्लॉट क्या हुआ है, कोई जॉब होल्डिंग डिवाइस में भारी माल जो बहुत वेट है उसको यहाँ रेस्ट कर दे, और हाइट है यहाँ चला गया। मान लो कोई लाइट पीस है जैसे हम लोग का फिटिक्सम में होता है, वो यहाँ रेस्ट कर दे एवं यहाँ से दूर, ये है। और ऑल द पार्ट इज द कास्टर एंड द कास्टर माइल स्टील एंड कार्बन स्टील डिफरेंट टाइप का है। तो दिस इज द ड्रिल मशीन। और एक तो की है, ये जो ड्रिल है ड्रिल मशीन देखो हम इधर चला रहे हैं, दोनों तरफ चलेगा। रिवर्स अब बोलिए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टाइप देखें, उल्टो दिक्कत। ये है ड्रिल बिट, ये है ड्रिल बिट। ड्रिल बिट इसमें ड्रिल चाक में लग जाता है, ये जॉब होल्डिंग डिवाइस, ये टूल होल्डिंग डिवाइस जिस चाक को बोलता है, ये ड्रिल बिट है। ड्रिल बिट के देखो एक तरफ एज है, दूसरी तरफ ब्लैंक है, इस तो एक तरफ एज है, दूसरा तरफ ब्लैंक है। जो ऐसे घूमे राइट हैंड में घूमेगा क्लॉकवाइज वो काटेगा, एंटी क्लॉकवाइज जो घूमेगा वो काटेगा नहीं, ऐसा इसको लगा देता है। देखा
ये इसमें काटेगा हाँ। और दूसरा देखो हम इसको काट के दिखाता है। ये देखो काट रहा है, ये काट रहा है और ये उल्टा तरफ जाएगा, उल्टा तरफ पाएगा। इसका उल्टा तरफ करेगा, ये देखो इसमें काटेगा नहीं, देखो इसमें काटता नहीं है, ये काटेगा नहीं, जितना चपेगा काटेगा नहीं, स्लिप कर देगा। तो इसको काटिंग एज है, काटिंग एज का मुताबिक इसको डील को सेट कर देता है। ये है डील, है हाई स्पीड स्टील और कार्बन स्टील दोनों किस्म का है। नेक्स्ट एक तो है इसमें देखिए एक तो चीज लेगा हुआ है, एक तो चीज लेगा है, ये सब कंप्लीट होने के बाद यहाँ एक तो डील होता है, डील होके टैप होता है। तो ये टैप और डील क्या कैसे हुआ कि क्या है, मान लो हम M10 का टैप करेंगे, टैप करेगा M10 का तो डील कितने करेगा, कम करेगा ना ज़्यादा करेगा, बोलो ज़्यादा करेगा, नहीं ज़्यादा करेगा, कम करेगा, कितने कम करेगा, उसका एक फॉर्मूला है 2D टी मीन्स टैप और थ्रेड, 2D माइनस इंटू पिच, थ्रेड माइनस 2D इंटू पिच। तो इसको कैलकुलेशन करने करते क्या होता है, ए टी टी इज इक्वल टू थ्रेड, 2D माने डेप्थ, डेप्थ क्या है, हम लोग एक थ्रेड का एक तो सेक्शन ड्रॉ कर लिया। इसको देखो यहाँ से यहाँ से यहाँ तक इसको बोला जाता है डेप्थ, एंड यहाँ से यहाँ से यहाँ तक इसको बोला जाता है पिच। तो ये मिलीमीटर में है, बट इंच में क्या है, इंच में क्या है, ए जितना थ्रेड है ए TPI में होता है, ए तो पिच हो गया TPI में होता है, एक इंच में जितना TPI थ्रेड है, 1, 2, 3, 4, 4 TPI हो गया, इंच में TPI होगा, 8 मिलीमीटर में पिच होगा। जो जो 2D मान मीनिंग्स ये डेप्थ है, और यहाँ भी तो ऐसा है, यहाँ भी डेप्थ है 2D, इसलिए बोला है ए डेप्थ है, ए डेप्थ है, 2D माइनस होगा ए डील होगा, ए डील के सही टॉप थ्रेड बनेगा। तो 2D करके क्या होगा, इसका देखो इसका रिजल्ट है 8.2 मिलीमीटर, इसका कैलकुलेशन करके 8.2 मिलीमीटर आएगा। इसका कैलकुलेशन करके 8.2 मिलीमीटर आएगा। तो 8.2 मिलीमीटर गया डील कहाँ करेगा, ये एक्यूरेट एज पर कैलकुलेटेड साइज 8.2 मिलीमीटर, एक कैलकुलेटेड साइज, एंड 8.2 मिलीमीटर कहाँ करेगा, जहाँ नरम माल है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, ब्रास है, कास्ट आयरन है, ये सब में 8.2 मिलीमीटर डील करेगा। बट द माइस स्टील के बारे में क्या करेगा, मास 0.313,
तो क्या होगा 8.5। जब स्टील का होगा ये 8.5 भी करेगा। एंड सॉफ्ट मेटल में एज पर कैलकुलेटेड डायमेंशन 8.6 करेगा। तो आफ्टर देन वी कैपिंग दिस इज द टैप। दिस इज द टैप। हाँ, ये टैप क्या है? टैप का तो अंतर है, ये तीन किस्म का टैप है। एक तो देखो टैप है, यहाँ ब्लेंड किया हुआ है, 8 से 10 गुना ब्लेंड किया है, 8 से 10 गुना ब्लेंड किया है। ये देखो 8 से 10 गुना ब्लेंड किया है। अच्छा, उसके बाद इसका बोला जाता है राफार, मैंने राफ करेगा इसको। और एक तो है 2 से 3 गुना ब्लेंड किया है। इसके बाद इसको चलाएगा, ये बोला जाए इंटरमीडिएट है। और ये तो इसमें कुछ नहीं किया है, चैम्पर है बैच, इसको बोला जाए फिनिशर। राफर, इंटरमीडिएट, फिनिशर, वो राफर पहले चलाएगा और इंटरमीडिएट बीच में चलाएगा और फिनिशर लास्ट में चलाएगा। क्योंकि राफर एकदम फिनिशर चलाने से ये डील का थेड नहीं होगा। हाँ, पहले इसको रूट कर लेना पड़ेगा राफर से, उसके बाद इंटरमीडिएट से इसको करके फिनिशर में कटेगा। तो ये देखो, ये जो है थ्रेड, जो टैप जो थ्रेड बनाता है, ये क्या कौन सा थ्रेड बनाता है? इंटरनल थ्रेड, नट का अंदर जो थ्रेड है उसको बोलता है इंटरनल थ्रेड। एंड बोल्ट का, बोल्ट में जो है उसको बोलता है आउट एक्सटर्नल थ्रेड। ये बोल्ट कैसे बनाता है? ये डाई से, डाई का देखो एक तो बहुत मजा का चीज़ है, डाई का अंदर थ्रेड है वो चलाने से बाहर थ्रेड होगा, और टैप का बाहर थ्रेड है वो चलाने से अंदर होगा। तो ये थोड़ा का दोनों, तो ये होता है टैप हैंडल, ये होता है टैप हैंडल, इसको पकड़ेगा। ये टैप हैंडल पकड़ लिया, हम हाथ से तो टैप नहीं कर सकते ना, ये करके उसको टैप करेगा। और ये है, इसको टैप हैंडल बोलता है। ये डाई तो ये छोटा सा है, ये वाला डाई है। एंड ये होता है डाई स्टॉक बोलता है इसको। ये डाई होल्डर बोल सकता है ना, टैप रेंज बोलता है, ऐसा बोल सकता है। जो भी हो, ये मेड ऑफ हाई कार्बन स्टील एंड एज हाई फिट स्टील, दोनों किस्म का ये होता है। तो देन वी फिनिश द टैप एंड मैचिंग मेल फीमेल द जॉब, एंड आवर जॉब इज द फिनिशिंग ऑलमोस्ट द फिनिश द जॉब एंड ऑयलिंग एंड पंचिंग करेगा, करके वो शॉप इंचार्ज को सबमिट करें। थैंक यू।